जी मैडम बताइएगा रूडा के हवाले से आप किन को प्लाट देने जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ तमाम लाहौर के साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद के एक मेरी जो बहुत मेहनत थी वो रंग ले आई है आज के एक रूडा में जो आपके प्लॉट्स हैं जो जिसके ऊपर स्टे चल रहा था जो पेंडिंग थे जो आपको भी याद नहीं था कि स्टे है वो मैंने आपको बताया कि उसको स्टे है उसको वेकेट कराना चाहिए। उसमें अरशद अंसारी साहब जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर है हमारे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो केस डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब है केस ख़त्म हो गया है और अब हम प्रोसीड कर सकते हैं रूडा के हवाले से। जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है उनको एप्लीकेशन दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए फिर भी हमने ऑप्शन खुला रखा है। उसमें हमारे वो कैमरामैन जिनको मैंने धमकियाँ दी थी वो भी इसमें शामिल हैं और वो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो 10 साल से किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं। उनको सिर्फ अपनी एक साल की जो सैलरी स्लिप है उसके साथ एप्लीकेशन जो है वो देनी होगी और प्लॉट्स का जो है वो हमने साइज़ भी कोई कैमरामैन अछूत नहीं है और कोई रिपोर्टर्स जो हैं वो हाई अप्स नहीं है सबको 5 मरले के प्लॉट पे हमने जो है वो कैप किया है और ये 3200 से ज़्यादा प्लॉट्स होंगे इंशाल्लाह ताला जो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से आप सबको मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं कुछ अच्छा करने में कामयाब हूँ। बहुत जल्दी है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। ये भी स्टे जो है ये किसी को याद ही नहीं था। मैंने जो है वो कहा कि खुदा के वास्ते ये स्टे विकेट कराते हैं इस पे अरशद अंसारी साहब ने आधा काम किया जो DGPR के मुलाजम गए बैठे हैं उनको मैंने जो है रिक्वेस्ट की। DGPR का भी हमने 10% कोटा रख दिया है इसीलिए उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया अप्लीकेशन और आज उनके विड्रॉ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इससे फारिग हो गए। अच्छा इसमें एक आखिरी चीज़ ये है कि असल जो इस पे स्टे आ रहा है उसकी मेन वजह ये है कि लोगों का कहना है कि जो आउट ऑफ स्टेशन है लाहौर से बाहर के साफी उनको निकाल दिया गया है और इसी वजह से वो स्टे के लिए वापस आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो देखिए वैसे भी ये जैसे कंसीव कही गई थी उसमें वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लीगल लेकुनाज भी थे और अभी देखते हैं एप्लीकेशन जब आएंगी कि कितनी एप्लीकेशन हैं हमारे पास प्लॉट्स कितने हैं। मेरा बस चले तो मैं किसी साफी को भी घर ना रहना जिनको पहले लेटर मिले उनको भी वो लेटर गलत थे ना वो लेटर ही गलत थे वो इलीगल थे। के हवाले से आप किन को प्लॉट देने जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ तमाम लाहौर के साफियों को बहुत बहुत मुबारकबाद के एक मेरी जो बहुत मेहनत थी वो रंग ले आई है आज के एक रूडा में जो आपके प्लॉट्स हैं जो जिसके ऊपर स्टे चल रहा था जो पेंडिंग थे जो आपको भी याद नहीं था कि स्टे है वो मैंने आपको बताया कि उसको स्टे है उसको वेकेट कराना चाहिए। उसमें अरशद अंसारी साहब जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर है हमारे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो केस डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब है केस ख़त्म हो गया है और अब हम प्रोसीड कर सकते हैं रूडा के हवाले से। जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है उनको एप्लीकेशन दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए फिर भी हमने ऑप्शन खुला रखा है। उसमें हमारे वो कैमरामैन जिनको मैंने धमकियाँ दी थी वो भी इसमें शामिल हैं और वो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो 10 साल से किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं। उनको सिर्फ अपनी एक साल की जो सैलरी स्लिप है उसके साथ एप्लीकेशन जो है वो देनी होगी और प्लॉट्स का जो है वो हमने साइज़ भी कोई कैमरामैन अछूत नहीं है और कोई रिपोर्टर्स जो हैं वो हाई अप्स नहीं है सबको 5 मरले के प्लॉट पे हमने जो है वो कैप किया है और ये 3200 से ज़्यादा प्लॉट्स होंगे इंशाल्लाह ताला जो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से आप सबको मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं कुछ अच्छा करने में कामयाब हूँ। बहुत जल्दी है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। ये भी स्टे जो है ये किसी को याद ही नहीं था। मैंने जो है वो कहा कि खुदा के वास्ते ये स्टे विकेट कराते हैं इस पे अरशद अंसारी साहब ने आधा काम किया जो DGPR के मुलाजम गए बैठे हैं उनको मैंने जो है रिक्वेस्ट की। DGPR का भी हमने 10% कोटा रख दिया है इसीलिए उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन और आज उनके विड्रॉ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इससे फारिग हो गए। अच्छा इसमें एक आखिरी चीज़ ये है कि असल जो इस पे स्टे आ रहा है उसकी मेन वजह ये है कि लोगों का कहना है कि जो आउट ऑफ स्टेशन है लाहौर से बाहर के साफी उनको निकाल दिया गया है और इसी वजह से वो स्टे के लिए वापस आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो देखिए वैसे भी ये जैसे कंसीव कही गई थी उसमें वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लीगल लेकुनाज भी थे और अभी देखते हैं एप्लीकेशन जब आएंगी कि कितनी एप्लीकेशन हैं हमारे पास प्लॉट्स कितने हैं। मेरा बस चले तो मैं किसी साफी को भी घर ना रहना। जिनको पहले लेटर मिले उनको भी वो लेटर गलत थे ना वो लेटर ही गलत थे वो इलीगल थे।